फ्रेंड्स, स्वागत है हमारा वीडियो में। आप सभी लोग को मेरे नमस्कार। अभी हो रही सुबह और हम धो रहे हैं बर्तन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब कोई अच्छे होंगे। सभी लोग को गुड मॉर्निंग। सुबह वाले झाड़ू लगा रहे थे, अभी कर रहे हैं लिपाई। गोबर से लिप रहे थे आंगन को। आस्था जितिया और विश्वकर्मा पूजा, जितिया का नहाना खाना दोनों था। मेरा लिपाई पताई होने के बाद कोयला का चूल्हा भी धर लिया है, उसे ऊपर चढ़ा दिए हैं चावल बनने के लिए। तसला भुंजरे चरौरी, चरौरी भुंज के फिर भुंज लेंगे कचरी। भात बन गया है चरौरी कचरी भुंज के। भुंजी डाल के उसके बाद चढ़ा देंगे दाल, बनत रहेगा उस तरफ। एक तरफ हम फिर काम करत रहेंगे। कचरी भी भुंजा गया है। अब भुंज लेंगे भिंडी। आज बहुत सारा काम था, घर का साफ सफाई, लिपाई पोताई, विश्वकर्मा पूजा भी था और साथ में जितिया भी था और घर का काम भी करना था। पानी की वजह से आज धूप निकला था तो सारा काम करना था। मेरा भुंजा भुंजा गया। अब दाल चढ़ा दिए हैं, तोड़ लेते हैं फूल पूजा करने के लिए। अब पूजा की थाली को सजा रहे हैं। सजाने के बाद पूजा कर लेंगे गाड़ी को, जो हम मेरे घर में गाड़ी है उसको। जल्दी जल्दी सुबह से लगे हैं। जिस दिन ज़्यादा काम रहता है उस दिन बाबू भी रोता है ज़्यादा ही। खाना बन गया था हमारा, पूजा पाठ हो गया था, सभी लोग खा रहे थे। बराई सूख रहा है इधर, बराई मूंग बराई, मतलब हम लोग काला और एक होता है हरा, तो काला वाले को बराई बोलते हैं और हरा वाले को मूंग बोलते हैं। हम लोग चीर रहे थे पेहटा। पेहटा का कचरी होता है, इतना सारा पेहटा था चीरने में बहुत टाइम लगा, 2 घंटा टाइम लगा था। इसीलिए जल्दी जल्दी काम कर रहे थे कि पेहटा चीरे धूप चला जाएगा ना तो फिर भू आ जाएगा, भकड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। उसको चीरने के लिए बहुत टाइम लगता है, पतला पतला चीरते रहो। मेरा हाथ भी कट गया था चीरने में उसको, फिर चीर के पसारने में भी ज़्यादा टाइम लगता है इसको। पसारा हुआ एक एक करके पसारना है छोटे छोटे को। अब आ गए थे खेतों में प्याज रोपने के लिए, बाकी था धूप निकला था तो प्याज भी रोपना था। रोप ले रहे हैं प्याज। रोप रोप के से भर देते हैं ताकि अच्छा बैठ जाएगा सांढा प्याज। हम लोग के मायके में बोलते हैं सांढा प्याज, ससुराल में बोलते हैं सागा प्याज। प्याज ये सब रोपने के बाद फिर शाम को मकई की रोटी बनाना था ना, तो उसको निकालने के लिए आ गए थे। ये मकई की रोटी निकालने में बहुत मेहनत लगता है। मकई के पीस उसके शाम को रोटी बना रहे थे। रोटी और कंदा का सब्जी। जितिया का फास्टिंग करना है, इसको खा के फास्टिंग कर लेंगे, सह लेंगे जितिया को पूजा करने के लिए। जितिया सबसे बड़ा पर्व होता है अपने बेटे के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बेटी के लिए, सबके लिए पूजा करते हैं। बहुत बड़ा पर्व होता है। मेरा सब्जी और रोटी बन गया है, अब खा रहे थे। खाने पीने के बाद भी अब मेहंदी लगा लेते हैं। मेहंदी मेरा लग गया है जितिया के लिए। जितिया में पूजा करने जाने के लिए कल की तैयारी हो गई है। सभी लोग कब करते हैं, बाय बाय। वीडियो कहीं पे एंड कर